दीपेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। दीपेश, खुदकुशी की है, पुलिस ने शीजान को भी अरेस्ट किया है। इस मामले में पुलिस किस एंगल से जांच कर रहे हैं, पुलिस क्या क्या ढूंढना चाह रहे हैं, और जो पोस्टमार्टम हुआ है उससे क्या क्या निकलने की उम्मीद है, क्या पता चला है? जी बिल्कुल, रात को 11:30 से 12 बजे के बीच सुनीता शर्मा का शव जेजे अस्पताल में लाया गया था, जहां पर पोस्टमार्टम करना था, और सुबह 4:30 बजे तक ये पोस्टमार्टम चला है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं, अभी थोड़ी ही देर में इसकी भी जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी। और अब पुलिस ने फिलहाल सुनीता शर्मा की माँ ने जो बयान दिया है पुलिस को, जिसके मुताबिक शीजान सुनीता शर्मा के सुसाइड के लिए जिम्मेदार है, ऐसा आरोप सुनीता की माँ ने लगाया था। क्योंकि सुनीता की माँ ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके मुताबिक तुनिशा और शीजान का रिलेशनशिप था, और 2 महीने पहले उनका ब्रेकअप हो चुका था, जिसको लेकर तुनिशा काफी अपसेट थी, वो काफी मायूस थी, और इसी मायूसी के चलते तुनिशा ने ये कदम उठाया, ऐसा उनकी माँ का कहना है। तो पुलिस इसी मामले में जांच आगे कर रही है, और प्राथमिक स्तर पर पुलिस अब कुछ और सवाल है कि जब वो सेट पर मौजूद थे, सेट पर वो उस मेकअप रूम में जाते हैं, वहां खुदकुशी करते हैं, पहला क्या सेट के किसी भी व्यक्ति ने उनको देखा, क्या रोकने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की? 2 महीने पहले ब्रेकअप हुआ था, इस बीच में तुनिशा ने क्या शीजान से जुड़ी हुई कोई बात या घर वालों से कही या सेट पर किसी से कही, क्या कोई खुलकर बोल रहा है इस विषय पर? जी, अभी ये मामला काफी प्राथमिक दौर में है, और इसकी जांच जो है वो पुलिस अभी कर रही है। हालांकि कुछ सेट्स मेंबर के बयान पुलिस दर्ज करने वाली है, और तुनिशा की माँ का स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किया है, उसी के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज किया है अटेम्प्ट टू सुसाइड की। लेकिन जो क्रू मेंबर्स थे उनके मुताबिक उन्होंने किसी ने तुनिशा को सुसाइड करते हुए अगर नहीं देखा, क्योंकि जो सुसाइड हुआ वो मेकअप रूम में हुआ, तो मेकअप रूम में कॉमनली आना जाना लगा रहता था, जैसे क्रू मेंबर्स ने पुलिस को बताया। तो इसके लिए किसी को तब या शक या कोई शुभा नहीं हुई कि तुनिशा अंदर जाके क्या कदम उठाने वाली है। वो तो काफी देर बाद जब तुनिशा ने दरवाजा नहीं खोला तब क्रू मेंबर्स को शक हुआ, और तब ये मामला जो है उभर कर सामने आया था। दीपेश, क्या शीजान के परिवार की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन सामने आया है? जी नहीं, अभी तक शीजान के परिवार से कोई किसी भी व्यक्ति ने आगे आकर पुलिस या मीडिया से संपर्क नहीं किया है, ना ही कोई अभी तक उनकी ओर से स्टेटमेंट जारी किया गया है। लेकिन आज जब 11 बजे शीजान को वसई कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, तब शायद उनके घर वाले कोर्ट में आए या मीडिया से आके अपनी बात सामने रखें। लेकिन अभी तक जो है शीजान की तरफ से या उनके परिवार वालों की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट या किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया है वो नहीं आई है फिलहाल। दिवेश, 2 महीने पहले इनका ब्रेकअप हुआ था, उससे पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन इन दो महीनों में क्या संवाद था, क्या बातचीत इनकी हो रही थी, क्या वाकई शीजान परेशान कर रहे थे तुनिशा को, क्या किसी तरह की कोई जांच कुछ सामने आया है? जी, इस केस के जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं ACP चंद्रकांत यादव, जिनसे कल हमने बात की और जिन्होंने एक्सक्लूसिव आज तक को इसके पीछे की वजह बताई थी कि एग्जैक्टली शीजान का रोल क्या है, शीजान पर आरोप क्या है, उन्होंने किस प्रकार से अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज उन पे लगा है। लेकिन हालांकि ये मामला काफी प्राथमिक दौर पे है, तो अब तक 2 महीनों में क्या हुआ था एग्जैक्टली, शीजान ने क्या किसी प्रकार का दबाव बनाया था या वो किसी और बात को लेकर भी चिंतित थी, इन सबकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है, और इसी के लिए आज पुलिस जो है शीजान की पुलिस कस्टडी की मांग करेगी कोर्ट में, जिसके बाद पुलिस इन सारे पहलुओं की जांच करेगी कि एग्जैक्टली 2 महीने में हुआ क्या था, शीजान ने ब्रेकअप किया तो उसकी वजह क्या थी, और उनके बीच और तुनिशा के बीच इन 2 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि जिसको लेकर तुनिशा को इतना संगीन कदम उठाना पड़ा। ठीक है दीपेश, आप नजर बनाए रखें, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारियों के लिए। कोर्ट में पेशी होनी है शीजान की, इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आनी है, नजर हमारी है।